तो गाइस मेरा कैप्सिकम गार्लिक ऑनियन पका हो चुका है, अब ये वाइट सॉस होने जा रही है। बस अभी हल्का सा हम थिकनेस हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे मसाले और क्या नहीं आंचल पैस। चलिए उसको रेडी होता है। और ये देखिए गाइस मेरा क्रीमी स्वीट कॉर्न कैप्सिकम ऑनियन वाइट सॉस पास्ता इज रेडी। सर्व करने का टाइम आया बना है मेरा फेवरेट पास्ता। थैंक यू आंटी। उससे पहले मैं खा रहा था ये उबले हुए सिंघाड़े, स्पाइसी है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। आप भी ट्राई करें। जस्ट कैडिंग। अच्छा मैं तो मास्टर हो गया। बढ़िया। वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइफ चेंज ब्लॉग्स। हैप्पी धनतेरस टू एवरीवन। और आज है धनतेरस। आई होप कि सबने अच्छी अच्छी शॉपिंग करी होगी, खूब सारा माल पानी खरीदा होगा। तो और आज से हमारी दिवाली की सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती है ऑफिशियली। वैसे तो हमने बहुत टाइम पहले से कर दी थी, बट आज से लोग मतलब पूरा ध्यान देने लगे हैं, डेकोरेशंस करने लगे हैं, लाइट्स वगैरह मतलब सब कुछ सेट हो चुका है मामला। और हम लोग भी आज करेंगे, वो आपको देखने को मिलेगा कल के ब्लॉग में आई गेस, या आज रात के ब्लॉग में, वो डिपेंड करता है। वो आपको जब देखने को मिलेगा पता चल जाएगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ। तो बारिश हो चुकी है यहाँ पर और मौसम इतना ठंडा हो चुका है। आयुषी शॉल में आ चुकी है और मैंने भी जैकेट पहन रखा है। बहुत ही ठंडी हवा चल रही है और इस बारिश की वजह से धुंध भी अब क्लियर हो गई है, तो व्यू अब काफ़ी क्लियर आ रहा है और हवा भी काफ़ी फ्रेश लग रही है। तो इट्स गुड कि बारिश के साथ पॉल्यूशन भी क्लियर हो गया है, तो अब दिवाली अच्छी लगेगी थोड़ी। हेलो गाइस, तो अब हम लोग टहल के आ चुके हैं और अब टाइम है डेकोरेशन का। तो हमने अभी मैंने बाहर का शुभ दीपावली लगाया है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले मेरे पार्टनर देखिए, हम लोग अब डेकोरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आइए आपको दिखाते हैं क्या चल रहा है। देखिए का सेटअप कर रहे हैं, लेट हो चुका है, तो हम लोग जो सोच रहे हैं आई डोंट नो कि वो होगा कि नहीं, बट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल दिस दिवाली। तो भाभी अभी श्यांश को सुला रही है, सो माई टू आएंगी अभी, तो वो भी हम लोग के साथ थोड़ा डेकोरेशन करेंगे क्योंकि उनको बहुत पसंद है। तो बने रहिए हमारे साथ ही देखने के लिए। तो यहाँ पर हमने चुन्नी लटका दी है इस तरह से, जैसे कि हमने स्ट्रिंग की हेल्प ली है, इसे धागे से चुन्नी को लटकाया है बिकॉज मैं टेप या ग्लू ऐसा कुछ लगाना नहीं चाह रहा था, बिकॉज फिर जब कभी डेकोरेशन उतारनी होती है तो ये ग्लू में सब डस्ट वगैरह चिपक के वॉल ख़राब कर देती है, तो इस केस में स्ट्रिंग बहुत बेस्ट ऑप्शन रहता है, उतारने में भी इजी रहेगा। बस इसको ऐसे धागे खींचेंगे और ये दोनों ही कर्टन उतर आएंगे हमारे। हाँ अभी लगाता हूँ।